गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज रही वृत्ति क्लास रे समस्तंकर स्वागत। आज रही वृत्ति क्लास रे हमें मानसिक दक्षता जहाँ को हमें कहूचे बौद्धिक दक्षता एवं सोशल साइंस सामाजिक पाठ यही दुईटा क्वेश्चन डिस्कस करिबा। टोटल 40टा क्वेश्चन डिस्कस करिबा। बौद्धिक दक्षतार 20टा क्वेश्चन, सामाजिक पाठर 20टा क्वेश्चन डिस्कस करिबा। ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास टेल मी हाउ इज योर प्रिपेरेशन गोइंग ऑन। कहला पे पाठ पढ़ा केमती चली प्रथम कह। क्लास तो करवा सब क्लास करुचे एवं बहुत गुड़ाए क्लास अलरेडी आम कर सारे। परीक्षा पाखे आसला समस्ते जान ए मत गोटे कथा कह तुम प्रिपेरेसन केमती चली परीक्षापी प्रस्तुति केमती चली। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। मुझे जापार एग्जाम जो तुम टेस्ट हूँ टेस्ट मुझे जापार बहुत जन पा भल कर गोटे गोटे जेनेल मिस्टेक रोचे से ठीक हम तुम टे तरबर हो आहुरी भी बहुत जन अच्छा टिके भूल भाल रोचे सो से कहूँ भूल भाल करें टेस्ट हम टेस्ट हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एमती टेस्ट सब प्राक्ट कर पे टेस्ट जदि प्राक्ट करें प्रोब्लेम पड़वा जहाँ भी डाउट अच्छी मत तुम्हें मैंने पांचटा बेले डाउट क्वेश्चन पठेब ना भूली जाऊँगी पांचटा बेले डाउट क्वेश्चन पठेले मुझे रखिकी डिस्कस कर। तो चलो डेरी करिबानी क्वेश्चन नंबर 1 रु स्टार्ट करिबा जहाँ डाउट क्वेश्चन अच्छी आसंता काली। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि अंचल रे केउ चास हुए नाही। क्वेश्चन नंबर 61, मरुभूमि अंचल रे केउ चास हुए नाही। बढ़िया क्वेश्चन टा कहिलो ठीके तो बुद्धि न। ओके, चित्रकला बेहरा, आरती, स्वीटू, मुनालिका, देवदत्त, देवव्रत, ठीक अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 61 बी हेबो धान चाष हेबो नाही कारण धान चाष पाई आमको प्रचुर परिमाण रे जल आवश्यक। यस और नो, जल आवश्यक किंतु आमको जलर किसी आशुतोष दार 2023 क्वेश्चन अच्छी मु अपलोड पीएमएसटी कथा कहीं जाऊ एबे या ऊपर फोकस कर। जल दरकार किंतु बाकी सब जिनस देख खजूरी या जल दरकार ना यहाँ क्वेश्चन टाइम भूल अच्छी क्वेश्चन टाइम भूल अच्छी। धान चाष हेबनी मका चाष हम कि बिले मरुभूमि मका चाष भी हम ना तो यह क्वेश्चन टाइम टिके भूल अच्छी तो आम मैक्सिमम करदे बी को करेक्ट आंसर। यस, के चाष हुए जदि कही खजूरी आम कर खजूरी सिजु यही सब कंटा जातीय गच्छ मरुभूमि रे हेई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, केउ मुख्य कारण टी जलवायु को प्रभावित करी न थाए। आम देशर जलवायु पाठ पढ़ी केउ कारण टी जलवायु को प्रभावित करी न थाए। क्वेश्चन नंबर 62, जेउठी तुम मानकर डाउट आसीब एग्जाम्पल नब मन रख ओंकार, मोनालिका, अजय कुमार, नीलांशी, वेरी गुड। इटी राइट आंसर कौन हम प्रथम कथा भू प्रकृति निश्चिंत भाव भू प्रकृति ना से प्रकार माटी अटे मरुभूमि माटी अटे पथर पर्वत अंचल अटे वायु प्रवाह ना से प्रकार वायु जाऊँगी वृष्टिपात से परिमाण में वर्षा हो प्रभाव कर किंतु जुआरटा आमर कौन वायु जलवायु को प्रभावित करी न थाए। जुआरटा जलवायु को प्रभावित करी न थाए। 62 नंबर बी हेब राइट आंसर। 62 नंबर बी हेब राइट आंसर। बुझिपारल बुझेल तो क्लियर ना डाउट अच्छी। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, केउटी संसदर अंतर्भुक्त नुहे माने संसद रे न थाए। क्वेश्चन नंबर 63, संसद कहिले कौन पार्लियामेंट कहिले कौन, वेरी गुड। पार्लियामेंट कहिले लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यही तीन जन होती संसद अविच्छेद्य अंग यही तीन जन को लेकिन आम संसद गठित होता है। अमरेन्द्र, नीलांशी, वेरी गुड, दिव्यांशु, वेरी गुड। किंतु विधानसभा सहित संसद किसी संपर्क ना जहाँ कि आमर भुवनेश्वर रे रही गुड़ा तुमको बुझा को पड़ो टिके टिके नहले भूले जीव। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति एमाने होचंती संसदर अंतर्भुक्त
ସଂସଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାଟା ଆମର ସଂସଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଅଟେ କି ନୁହଁ। ତ ଚାଲ ବଢିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 64 କୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ, ଯାହାକି ଆମର ତାଜମହଲଟା ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। ଜାଣିଛ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତାଜମହଲଟା ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାଜମହଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଓକେ, 65 ନମ୍ବର, 65 ନମ୍ବର, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଆମର ଖଣି ବା ଶିଳ୍ପ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଠ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଥିଲି ତୁମକୁ। ଏବେ କହିଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାବ ଠାରେ କେଉଁ ଖଣି ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାବ ଠାରେ କେଉଁ ଖଣି ଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 65। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର କହିବ ନହେଲେ ଜାଣି ହେବନି। ଆଶୁତୋଷ କହୁଛନ୍ତି ବି, ଅମରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବି, ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି ବି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବ? କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାର ଠାରେ କି ଖଣି ଅଛି? ସୁନା ଖଣି ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାମଗିରି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାର ଏବଂ ହୁଟି, କୋଲାବ ଏବଂ ହୁଟି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ଅଛି। ଝାରଖଣ୍ଡର ବିହାରର ମୂଷାବଣି ଠାରେ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି, ବିହାରର ମୂଷାବଣି ଠାରେ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଠ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପୁରାପୁରି ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଆମକୁ ବୋନସ ଦରକାର। 66 ନମ୍ବର, କେଉଁ ନଦୀଟି ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହେଁ? କେଉଁ ନଦୀଟି ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହେଁ, ମାନେ ସବୁଦିନ ବହିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁଦିନ ବହିବନି, କେଉଁ ନଦୀଟି ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହେଁ? ବରଫ ତରଳିଲେ ସିନା ଚିରସ୍ରୋତା ହବ କହିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 66, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗୋଦାବରୀ, ଏସବୁ ଚିରସ୍ରୋତା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମଦାଟା ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହଁ। ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ଆମର ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି, ଅଟନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଏମାନେ ଆମର ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି, ବୁଝିହଉଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 66 ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି, ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ନା ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି। 67 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ, ଶାସନରେ ନାହିଁ? କେଉଁଟି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ? ଆଇନ ତର୍ଜମା କରିବା, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଆଇନ ପଢିବା ହବନି, ହବ କି ପଢିବା ହବନି? 67 ନମ୍ବର, ଆଇନ ଗଢିବା ହବା କଥା, ଏଟା ଏଟା ଆଇନ ଗଢିବା, ତ ଏଟା ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲ? ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି ନା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ବୁଝିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମାନେ ମାନେ ଗଠନ କରିବେ, ଆଇନ ଗଠନ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମାନେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ,
न्यायपालिका एमाने कौन करिबे ना तर्जमा करिबे काम होउछि ना नाही एही तीनटा काम रहिछि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका आईन गठन करिबे कार्यकारी करिबे तर्जमा करिबे किंतु एठी आईन प्रयोग करिबेनि तो एटा बी हला करेक्ट आंसर। 68 नंबर ओडिसार ग्रीष्म निवास काहाकु कुहा जाय ओडिसार ग्रीष्म निवास काहाकु कुहा जाय जानिछ समस्त जानिछ। 68 नंबर मोनालिका वेरी गुड आ गोटे कथा मन रखबिले तरबर हेकि आंसर करिबो नाही आराम रे परीक्षा देबो बढ़िया स्कोर रखिबो दारिंगीबाड़ी बहुत बढ़िया ओडिसार ग्रीष्म निवास होउछि दारिंगीबाड़ी। 69 नंबर एटा चित्र करिथिली मन अछि कर्कट क्रांति केउ गोलार्धरे अवस्थित 69 कर्कट क्रांति केउ गोलार्धरे अवस्थित 69 नंबर के कहिबो कर्कट क्रांति केउ गोलार्धरे अछि ओके उत्तर गोलार्ध चलो चेक करिबा टिके आमे जानिथिले गोटे वृत्त अछि बा आमर जो ग्लोब बा पृथ्वी को आमे गोटे वृत्त नेले मझीरे गोटे रेखा नेथिले ता हेउछि विषुव वृत्त विषुव वृत्त ता ऊपर को अछि कर्कट क्रांति ता तले अछि मकर क्रांति ऊपर अछि सुमेरु वृत्त तले अछि कुमेरु वृत्त एटा हला सुमेरु एटा हला कुमेरु पढ़ीतिले एटा के नोट करिबो समस्ते टिके जेती की पाठ पढ़ाई छी मु बारंबार कहि थाए नोट करिबो ता सहित एटा हला ग्रीष्म मंडल एटा होची नातिशीतोष्ण मंडल एटा होची हिम मंडल पढ़ी ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट जीवा प्रश्न नंबर 70 को स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी नौ बाहिनी रा मुख्य किए स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी नौ बाहिनी रा मुख्य किए आमर तीन सेना बाहिनी रा मुख्य किए 70 नंबर तीन सेना बाहिनी रा मुख्य किए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होउचंती तीन सेना बाहिनी रा मुख्य। प्रश्न नंबर 71 त्रिपुरा रा प्रधान भाषा कौन अटे एही पाठ भी पढ़ीतिलो भाषा नृत्य सब पढ़ीछ त्रिपुरा रा प्रधान भाषा कौन त्रिपुरा रा प्रधान भाषा कौन किए कहि परिबो 71 नंबर जेते बेले भी आंसर दउ छ क्वेश्चन नंबर कहिबो 71 असमिया आसाम रोटे मिजोरम रो मिजो अटे हिमाचल प्रदेश रो हिंदी अटे नागालैंड रो गारो एवं खासी अटे आउ त्रिपुरा रो बंगला अटे त्रिपुरा रो प्रधान भाषा बंगला अटे 71 नंबर डी हेबो। 72 नंबर दांडी यात्रा किए आरंभ करिथिले एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि एटी दांडी यात्रा किए आरंभ करितले क्वेश्चन नंबर 72 वेरी गुड गोपब अमर गांधीजी दांडी यात्रा आरंभ करितले एवं ओडिसा रे दांडी यात्रा रा नेतृत्व किए नेतिले गोपबंधु दास ओडिसा रे गोपबंधु दास दांडी यात्रा रा नेतृत्व नेतिले बा दांडी यात्रा नु लवण सत्याग्रह लवण सत्याग्रह ना असहयोग आंदोलन सॉरी असहयोग आंदोलन एटा टिके भूल हे जे बेले बेले। चलो नेक्स्ट बढ़िया 73 को केउ नियम अनुजाई सीट बेल्ट न पिंधि गाड़ी चलेबा व्यक्ति को
जोरीमाना देवा को पड़े, एटा आउट ऑफ सिलेबस पड़ी थी। राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मोटर व्हीकल एक्ट 177 बी है वो 73 नंबर। 177 एक्ट हिसाब से जदि सीट बेल्ट न पिंधि की गाड़ी चलेले जोरीमाना देवा को पड़ेगा, बुझी पर चौ। 74 नंबर, आजाद हिंद फौज किए गठन करथिले बा प्रतिष्ठा करथिले। आजाद हिंद फौज, दिल्ली चलो मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी, एक कथा किए कहिले? सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड। 74 नंबर डी। 75, डेक्स रंगटी ग्लोब रे जलभाग सूचाए, ग्लोब रे केउ रंग थिले आमे जानिबा एटा जलभाग, ग्लोब रे केउ रंग थिले आमे जानि पारिबा एटा जलभाग को सूचौची। सबुज रंग, हळदिया रंग, नीलो रंग, बादामी रंग। जलभाग नीलो रंग, हळदिया मरुभूमि, सबुज समतल, बादामी मापा उ मालभूमि पहाड़िया अंचल। 76, अटली केउ मसिया रे बिलातर प्रधानमंत्री हितले पढ़ी थी लेडा, भारत छाड़ आंदोलन बेले अटली केते मसिया रे बिलातर प्रधानमंत्री हितले, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब। राजपथ जाइ एनएच कथा पढ़ी, एनएच चारिटा एनएच जाइछि पढ़ी ना नाइ? ओडिसा मध्य देई केउ जातीय राजपथ जाइ अछि, क्वेश्चन नंबर 77 77 नंबर। देखो आमे पढ़ी थी एनएच 5 एनएच 6 दुईटा एनएच 41 एनएच 42, यही चारिटा आम ओडिशा देखी जा मन रख, एनएच 5 एनएच 6 एनएच 41 42, तो ये राइट आंसर डी हम मन रहा। 5, 6, 41, 42 यहाँ मन रख, यही चारोटी आम जातीय राजपथ ओडिशा मध्य दे जाए। ठीक अच्छे, एबे एबे कहूली 78 नंबर, ताप्ती नदी केउ सागर रे पड़ी, 78 नंबर, ताप्ती नदी केउ सागर रे पड़ी, अरब सागर बी हेबो। 78 नंबर बी हेबो, मन कर भारत एई साइड बंगोप सागर अच्छी, नर्मदा ताप्ती दुईटा नदी एई साइड को बहिची, पश्चिम श्रोता पश्चिम को बहिची, बाकी सब आम साइड को बंगोप सागर को आसी, बुझेला? 79 नंबर, 79, भारत सर्वाधिक वृष्टिपात केउठारे हुए, एटा दुईटा जिनस अछि, गोटे हूँ चेरापुंजी आ गोटे माइसिन राम। 79 नंबर मन रख, एटा भारत सर्वाधिक वृष्टिपात केउठारे हुए, सबुद्दीन कौन आंसर दौ, एटी माइसिन राम किंबा चेरापुंजी, एई दुईटा मन रखिबो, माइसिन राम बा चेरापुंजी ठारे सबुठारु अधिक वर्षा हिथाय। 80 नंबर, सिपाही विद्रोह केते मसिया रे होइतिला, भारतर प्रथम स्वाधीनता आंदोलन जहाँ को कहुचे बा सिपाही विद्रोह केते मसिया रे होइतिला, 80 नंबर, नीलांशी, वेरी गुड। अमरेन्द्र देवव्रत, श्रेया सायिका, ओके सॉरी सायिका, सबुद्दीन चित्रकला, 1857 मसीह रे जहाँ को आम सिपाही विद्रोह बा भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम कही था। ओके, तो इतनी भीतर आम जान लें दुई तीन टाइम भूल होती, तो आम निश्चिंत
ভাবে সমস্ত 17 রু 18 নম্বর রাখি পারিবা ইয়েস অর নো আউ থরে লেখায় সবু রিভিজন কর দেব হেলা চলো এবে যিবা বৌদ্ধিক দক্ষতা কো কোশ্চেন নম্বর 81 মন দেখি করিবা যদি আমি ডি এফ কু 10 লিখিলে এইচ আই কু কেতে লিখিবা কইল টিকে সবুবেলে সমাধান করিকি কইব এমতি কই দেলে হবনি হলা সমাধান করিকি কো যদি আমি ডি এফ কু 10 লিখিলে এইচ আই কু কেতে লিখিবা কি কই পারিব ডি এফ টা 10 ইয়া মানে ডি হেলা 4 এফ হেলা 6 6 4 মিশি কি 10 হেলা বুঝি পারু জন নাই কেমতি হেলা দেখো আমি এ বি সি ডি লিখিলে দেখো এ কু 1 লিখিলে বি কু 2 লিখিলে সি কু 3 লিখিলে ডি কু 4 লিখিলে ই কু 5 লিখিলে এফ কু 6 লিখিলে তো আমাকে কইছে ডি এফ কু 10 অটে माने चार आउ छ मिसी की 10 अटे जी एच आई एच टा 8 अटे आई टा 9 अटे मोड केते हबो ना 17 हबो मोड केते हबो गिरे 17 हबो ऑप्शन ए करेक्ट 81 नंबर ए करेक्ट बुझिला एई भलिया प्रश्न आसीबो केते सहज आमे खाली ताकु लेखिबार अछि ए बी सी डी 1 2 3 4 करी लिखि देबार अछि हला चलो 82 नंबर कैट को जदि हमें बी जेड एस लिखिले डॉग को कोन लिखिबा प्रश्न सब बेले बुझो एटा होची तुम मनकर प्रोसेस प्रोसेस गुडा सिखो जे केमिति सॉल्व करिवो खाता रे नोट करो परे कहिबोनि सर एटा बुझि हेलानी खाता रे नोट करो यस केमती करिबा देखो सी ए टी टी ए टी को आमे लिखिले बी जेड एस एठी ट्रिक कोन अछि देखो बी परे सी जेड परे ए एस परे टी ठीक सेमिति आमे कोन करिबा डी ओ जी को कोन लिखिबा एटा मने रखो एटा जो मु करू छीटा टी परे डी एन परे ओ एन ओ एफ परे जी सी एन एफ ऑप्शन ए करेक्ट हबो केते सहज पिले हो ना नाही 82 नंबर ए हबो करेक्ट आंसर ए हबो करेक्ट एमती लिखिबो चलो 83 नंबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 एमिति 95 नंबर पद 95 नंबर पद रो समष्टि केते ओहो एटी माइनस 1 प्लस 1 एटा क्वेश्चन भूल अछि माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 एटा देखो माइनस 1 प्लस 1 माइनस कोन कहिला कि एटा बुझियला नै रो टिके माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 एटी तो प्लस 1 माइनस 1 दे जेटी प्लस 1 माइनस 1 हबो हला एटा प्लस 1 हेतिबो एटा माइनस 1 हेतिबो आंसर 0 ही हबो आंसर कोन हबो 0 हबो 83 नंबर 0 हबो केमति हेति क्वेश्चन टा एक्चुअली ठीक भाबे देई नी एठी क्वेश्चन रे टिके लेखा भूल अछि
ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଟିଯିବ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଟିଯିବ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଟିଯିବ, ଏମିତି କଟି କଟିଯିବ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ଜିରୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ 83 ନମ୍ବର ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଭୁଲ ଅଛି ତଥାପି ଚେକ୍ କରିବା। ଚାଲ 83 ନମ୍ବର ପିଲେ ଟିକେ 85 ମାନେ 95 ଯାଏ କହିଛି, କେତେ ଯାଏ 95, ୟା ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन पांचटा में कले पांचटा को चलो एबे में काटिबा देख प्लस वन माइनस वन कटिगला प्लस वन माइनस वन कटिगला गोटे माइनस वन रहिला एही भलिया 95 जाए गले गोटे माइनस वन रही जीवो कौन हम गोटे माइनस वन रही जीवो तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी हम 83 नंबर बी हम करेक्ट आंसर। ଏବେ ବୁଝିଲ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ଜିରୋ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଅଟେ, ଟିକେ ଲେଖିବା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବୁଝୁଛି, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେବା କଥା, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା କଥା, ଟିକେ ଭୁଲ ଲେଖିଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ କହିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିବା। ଚାଲ 84 ନମ୍ବର ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, କେତୋଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ୟାର ବି ସୂତ୍ର ଅଛି କହିଥିଲି ମୁଁ। 84 ନମ୍ବର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆମେ କଣ କଲେ ଲେଖିଦେବା, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ୱାନ୍ ର ସ୍କୋୟାର टू रो स्क्वायर थ्री रो स्क्वायर एक जुग चार जुग नौ नौ चार तेर एक चौदह डी है करेक्ट आंसर, डी है करेक्ट आंसर 84 नंबर डी बुझीला बुझीपारल समस्ते। वर्गचित्र सूत्र है केतेटा वर्गचित्र अच्छी कहले आम कौन करवा भाया स्क्वायर नहीं जावा मन कर ये गोटे चित्र दे ଗଣିବା ସବୁକୁ, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଯେତିକି ଥିବ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍କୁ, ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି କରିବା, ୱାନ୍ ର ସ୍କୋୟାର ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର ଥ୍ରୀ ର ସ୍କୋୟାର ଫୋର୍ ର ସ୍କୋୟାର। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ କହିଦେବି ହେଲା, ତ୍ରିଭୁଜ କେମିତି ଗଣିବା, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କେମିତି ଗଣିବା, ତାର ସୂତ୍ର ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ବଢିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 85 ଯାହା ଦେଖୁଛ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। 85 ନମ୍ବର ହଁ, ରାମ ଘରୁ ବାହାରି 20 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲା, ସେଠୁ ପୁଣି 20 କିଲୋମିଟର ବାମକୁ ଗଲା, ସେଠୁ ପୁଣି 20 କିଲୋମିଟର ବାମକୁ ଗଲା, ତାପରେ 10 କିଲୋମିଟର ଡାହାଣକୁ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। 85 ନମ୍ବର ଖାତାରେ କର, କୁହ ଖାତାରେ ନ କଲେ ଆମେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପାଇବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଖାତାରେ ସମାଧାନ କରିବା। କେମିତି କରିବା, ଚାଲ ଡି ହେବ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ବେହେରା, ବାକି ମାନେ ବି ହେବ କହୁଛନ୍ତି, କାହାର କରେକ୍ଟ ହେବ ଦେଖିବା ହେଲା। ଚାଲ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ରାମ, ଏଠି ଅଛି ରାମ ଘର, ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ରାମର ଘର, ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବ ଏଇଟା ଉପରଟା ଉତ୍ତର ତଳଟା ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇ ସାଇଡକୁ ପୂର୍ବ, ଏଇ ସାଇଡକୁ ପଶ୍ଚିମ, କ୍ଲିଅର? ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ ଲେଖିଲେ ରାମ ଦକ୍ଷିଣକୁ 20 କିଲୋମିଟର ଗଲା, ଠିକ ଅଛି 20 ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲା, ବାମ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ସାଇଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ଏଇଟା ତାର ବାମ ହେଇଗଲା, ବାମ ସାଇଡକୁ 20 କିଲୋମିଟର ଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ସେଠୁ ପୁଣି 20 ବାମକୁ ମାନେ ପୁଣି ଉପରକୁ 20 ଗଲା, ସେଠୁ ଡାହାଣକୁ 10 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଏଇ ସାଇଡକୁ 10 ଗଲା,
वर्तमान केते दूर रे अछि ना एठु एठी की 20 एठु एठी की 10 टोटल 30 हबो 85 नंबर सी हबो देखो तमे माने समाधान करिनो समाधान करितिले सी बाहरी तंदा तुमे माने समाधान न करी की कहि देलो बी किंबा डी इट इज राइट आंसर सी हबो क्लियर आउ थरे कर दउ छी सब बेले मन देखि सुनिबा को कहिसै भाई राम घरु बाहरिला 20 किलोमीटर दक्षिण को गला दक्षिण माने तल को एटु बाम पट को बुलिला बाम कहिले लेफ्ट साइड तार एई साइड को पुणी 20 गला एटु पुणी बाम को गला बाम माने पुणी लेफ्ट 20 गला एटु डाहाण को गला माने करो एटा राम फेस करिछि डाहाण माने एई साइड को गला 10 किलोमीटर एबे आमे बाहर करिबा एठु एठी की 20 प्लस एठु एठी की 10 टोटल से 30 किलोमीटर दूर रे अछि क्यों दिगरे अछि ना पूर्व दिगरे अछि बुझी पारु छ दुई टाइप क्वेश्चन पडिवो केउ दिग आउ केउ साइड तो इट राइट आंसर हला सी प्रश्न नंबर 86 स्टार चिन्ह रे हमें कोन लेखिबा 86 नंबर स्टार चिन्ह रे कोन रहइबो चलो चेक करिबा कोन हि देखो ए पुरे बी सी दुईटा छाडी कि डी डी पुरे ई एफ जी तीनटा छाडी कि एच एच पुरे आई जे के एल चारिटा छाडी कि एम या माने जंप होउची देखो कोन हिची देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी कौन अच्छी प्रथम ए अच्छी दुईटा छाड़ी डी अच्छी तीन टा छाड़ी एच अच्छी चार छाड़ी की एम अच्छी पांच छाड़ा एस आसपुर आंसर हम एस बुझेगा दुईटा छाड़े तीन टा छाड़े चार छाड़े पांच छाड़े तो ये एस आसर क्लियर प्रथम आम कौन कले दुईटा छाड़े तीन टा छाड़े चार छाड़े पांच छाड़े यस वेरी गुड एटा गोटा ट्रिक 87 नंबर बी को जो षोह लिखिले डी को केते लिखिबा 87 नंबर टिके ब्रेन यूज करने को पड़ेगा सब बेले मैथमेटिक्स दरकार बी को षोह डी को कौन लिखा चलो देखो बी को षोह लिखिले या माने बी हूँ दुई नंबर हाँ ना नाई दुई नंबर दुई गुणन दुई दुई दुणे चार चार दुणे आठ आठ दुणे षोह ठीक सेमिति डी को केते लिखा डी आमर केते नंबर चार नंबर चार गुणन चार षोह षोह गुणन चार चौष्टि चौष्टि गुणन चार दुईश छप्पन हब राइट आंसर बुझी बहुत सहज खाली टिके यूज करने को पड़ेगा ब्रेन 88 88 नंबर यही धाड़ी वाला बारंबार पढ़ुचे तथापि कहिलो टिके गोपाल को बामरु गणिले 12 नंबर अच्छी दक्षिण रु गणिले 18 नंबर अच्छी मोट केते जन अच्छा
अठर बार पी डी सी माइनस वन अंतिम सी हे वेरी गुड तार फर्मुला भी अच्छी फर्मुला को न जा तुमको ट्रिक मुझे शुण बाम रु गणिले बार नंबर से अच्छी यहाँ हूँ बाम पट एटा हूँ डाहाण पट जदि आम यू रु गणवा से बार नंबर अच्छी केते नंबर अच्छी बार नंबर अच्छी या मैंने पूर्वर एगार जन अच्छा केते जन एगार जन डाहाण रु जदि गणवा यू रु जदि गणवा से अच्छी अठर नंबर रे केते नंबर रे अठर या मैंने पछपटे अच्छा सतर जन एबे आम समस्त को मिसेदे एगार जन से निजे मिसीगला आ सतर जन तो टोटाल हो गले अठाईस आउ एक अंतीस जन तार फर्मूला अच्छी दुईटा को मिसेदे गोटे माइनस करदे अठर जोग बार रु एक माइनस करदे आंसर आसब अंतीस बुझेगा अठासी नंबर राइट आंसर है सी 89 नंबर ये सब परीक्षार आसब मन रख नंबर वाई र प्रश्न कही वाई र पुओ एक्स र भाई अटे एक्स आउ वाई मध्य संपर्क कौन ए हम डी किए कहला कृष्णा अमरेन्द्र डी केमती है कि देवव्रत डी केमती है 89 नंबर ए हम ठीक भाव देख एक्स ओ हो अरे पुअर पुअ कही हाँ ठीक अच्छे ताले नाती हम डी डी हम डी हम सरी मुझे पुअ केवल कही पुअर पुअ देखी ना हाँ डी हम डी हम पुअर पुअटा डी हम ठीक अच्छे डी हम 89 नंबर डी हम 90 नंबर 90 नंबर शून रु पांच केतोटी मौलिक संख्या शून रु पांच मध्य केतोटी मौलिक संख्या अच्छी दुई गोटे मौलिक संख्या तीन गोटे मौलिक संख्या पांच गोटे मौलिक संख्या तो ये आम कला टोटाल तीनोटी मध्य कही मैंने पांच को मिसेबानी ये दुई हम राइट आंसर 90 नंबर डी हम प्रश्न नंबर 91 वृत्तर परिधि थाए वृत्तर परिधि जहाँ को कहे त्रिभुजर कौन से वृत्तर परिधि अटे त्रिभुजर कौन अटे परिसीमा वेरी गुड त्रिभुजर परिसीमा 92 नंबर शून्य स्थान पूरण कर माने नेक्स्ट कौन आसीबो दुई आसला दुई परे पांच हला पांच परे नौ हला नौ परे कौन हबो तापरे कोड़िए तापरे सतैश किए कही पारिबो ईश्वर चंद्र अमरेन्द्र चित्रकला देवव्रत आशुतोष स्नेहाराणी 92 नंबर दुई परे पांच पांच परे नौ नौ परे कौन हबो दुई रु पांच को तीन बढ़ला पांच रु नौ को चार बढ़ला तापरे पांच बढ़ चौद तापरे छ बढ़ कोड़े तापरे सात बढ़ आंसर है चौद 92 नंबर ए 93 नंबर देख बारंबार मु कहूँ सब वर्ष आसूँ सब बेले ए वर्ष भी आसब बार बा कैलेंडर क्वेश्चन गोटे जदि मे मस 19 तारीख गुरुवार हुए अगस्त मास 15 तारीख क्यों बार हम 93 नंबर सहज प्रश्न बारंबार पढ़ी जदि ये जानवनी तेल कौन जानव
मे मास 19 तारीख रे जदि गुरुवार हला अगस्त 15 कौन हबो? बढ़िया क्वेश्चन है, ये कोई परबो 93 ये हबो कहू जन देश समस्त। अच्छा आउ चलो चेक करिबा, आमे जानिले मे मास 19 तारीख गुरुवार पड़िला, ठीक अच्छे। प्रश्न पचारिछि अगस्त 15 की बार पड़ मे मास रे मोट केते दिन थाए पिले? जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मे 31 दिन, 19 गलानी बाकी रहला 12 दिन, जून मास रे 30 दिन, जुलाई मास रे 31 दिन, अगस्त मास रो 15 दिन अछि। सब को मिसे देले 2 1 3 5 3 8, 3 1 4 3 7 1 8, 88 दिन। याकु 7 रे आमे हरण करिबा, 7 1 7 7 2 14 रही गला 4 दिन। एबे आमे 4 दिन गणिबा, यस ऑर नो? एटा पढ़ीतिले तो ठीक अछि। प्रथमे आसीबो शुक्रवार, कारण गुरुवार नाही नाही गुरुवार प्रथमे आसीबो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ओहो अरे गुरुवार गलानी नाही की, शुक्रवार आसीबो एटी शनिवार देची, शनिवार हबो लागुची मते आंसर, नाही नाही रविवार, रविवार देनी ना एटी सोमवार बताले, ठीक अछि। शुक्रवार गुरुवार गलानी शुक्र रु गणिबा या परे गणिबा, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, ताले हमर पड़िबो सोमवार दिन पड़िबो राइट आंसर, आंसर हे जबो हमर 4 नंबर सोमवार 93 ए, ठीक अछि। 94 नंबर, 94 नंबर प्रश्न देखिलो टिके, 13 आउ 19 देछि तळे 4 देछि, 71 आउ 9 देछि तळे 10 देछि, 128 आउ 32 देछि तळे केते हेबो? इजी क्वेश्चन 94। इटि कोन छि 19 आउ 13 मिसि गल्ला 32 हेला, 32 को हमें 8 रे हरण करले 4 बाहरिला, 71 आउ 9 मिसि गल्ले 80 हेला, 80 को 8 रे हरण करले 10 हेला, ठीक सेमिति 128 आउ 32 को जदि मिसैले हमरो 160 हेला, 8 रे हरण करले 20 हेबो आंसर, ऑप्शन सी 94 नंबर सी हेबो राइट, 94 नंबर सी हेबो करेक्ट आंसर। 95 नंबर, धळा हेउची शांतिर प्रतीक, लाल कहार प्रतीक अटे? 95 नंबर, धळा रंगटा शांतिर प्रतीक अटे, लाल जदि अछि काहाकु बुझेबो सेटा? हिंसा, हिंसार प्रतीक ए हेबो। 96 नंबर, असंपर्कित संख्याटी बाछ, केउटा गुटे अलग अछि, 1 3 5 7 एई चारिटा संख्या भितरे केउटा अलग अछि? अरे लाल कहिले एटा कोन पताका भाबुछ कि? पताका नुह, पताकारे नारंगी रंग थाय, एटी पताका कथा कहिनी एठी, बुझल ना नहीं? ठीक अच्छे। 96 नंबर, एक हम भिन्न, कारण यहीनटा आम मौलिक संख्या अटे, किंतु एक गोटे स्वतंत्र संख्या अटे, 96 ए हेला करेक्ट। 97 नंबर, आंध्र प्रदेश भाषा तेलुगु, कर्णाटक भाषा कौन? 97
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭାଷା ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭାଷା କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍, କନ୍ନଡ, କନ୍ନଡ। 98 ନମ୍ବର, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ଲସର ଅର୍ଥ ଗୁଣନ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗ ଥିବ ଗୁଣନ କରିଦେବା, ଗୁଣନର ଅର୍ଥ ମାଇନସ ଅଟେ, ଗୁଣନ ଥିଲେ ବିଯୋଗ କରିବା, ହରଣର ଅର୍ଥ ଯୋଗ ଅଟେ, ହରଣ ଥିଲେ ପ୍ଲସ କରିବା, ଆଉ ମାଇନସର ଅର୍ଥ ଯଦି ହରଣ ଅଟେ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ସରଳ କଲେ କେତେ ହେବ? 175 ମାଇନସ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ହରଣ। 25 ହରଣ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ଲସ 5। ପ୍ଲସ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଗୁଣନ। 20 ଗୁଣନ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମାଇନସ 3, ପ୍ଲସ ଜାଗାରେ ଗୁଣନ 10। ଏବେ କେତେ ହେବ କହିଲ? ପ୍ରଥମେ ହରଣ କଲେ 25 × 7 = 175, ଗୁଣନ କଲେ 100 ହେଲା, ମାଇନସ 30 କଲେ 77 ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 99 ନମ୍ବର, 235 କୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବୟ ଇଜ୍ ଟଲ। ଏଟା ବି କହୁଥିଲି, ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ବୟ ଇଜ୍ ଟଲ। 5, 2, 3, 4 କୁ ଲେଖିଲେ ଟଲ ବୟ ଇଜ୍ ବଲ୍ଡ। ବଲ୍ଡ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି? ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସହଜ। 99 ନମ୍ବର ହେବ, ଓକେ। କଣ ପାଇଁ? ଏଠି ବି 2, 3, 5 ଅଛି, ଏଠି ବି 2, 3, 5 ଅଛି, ବୟ ଇଜ୍ ଟଲ, ବୟ ଇଜ୍ ଟଲ କଟିଗଲା, ବାକି ବଲ୍ଡ ଯୋଉ ରହିଲା, ବଲ୍ଡଟା 4 ଅଛି। 6 ନମ୍ବର, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବି ହେଇଥିବ, ଅଯୁଗ୍ମ ବି ହେଇଥିବ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ। 100 ନମ୍ବର, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସି ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମନେ ରଖ, ଡାଇରେକ୍ସନ ବା ଦିଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ସମ୍ପର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ବଏଜ ଟଲ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଏବେ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଇନ୍ଟୁ ଏଇଟା ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲେ ଡି ଏଫ କୁ ଯଦି 10 ଲେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ସିଏଟି କୁ ଯଦି ଲେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ, ଟୋଟାଲ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଆସିବ। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, କେବଳ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ମନେ ରଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି, ହେଲା? ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। 100 ନମ୍ବର ପିଲେ ଏଠି ସି ହେବ, ଅଯୁଗ୍ମ କହିଛି, ଅଯୁଗ୍ମ କହିଛି, ବି କିଏ କହିଲା କିରେ? ବି ହେବନି, ସି ହେବ। ତ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଟାସ୍କ ଲେଖିଦିଅ, ଆଉ ଆଉ ପିଲେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନି, ଅବହେଳା କରନି। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଟାସ୍କ ହଉଛି, ତୁମେମାନେ ଶିଳ୍ପ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ କଲ ଆଜି, ଶିଳ୍ପ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ, କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି, ବୁକ୍ସ ଫଲୋ କରିବ। ମନେକର ଲେଖିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାପ ଏବଂ ହୁଟି ଠାରେ ସୁନା ଖଣି ଅଛି, ବିହାରର ମୂଷାବଣି ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଲେଖିକି ଆସିବ। ଓକେ, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।